नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़ लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ में किया नजर। डालते हैं आज की खबर पे। चंदौली पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाने का फायदा भी सामने नजर आता दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब चेकिंग के दौरान एक अंतरराज्यीय असलहा तस्कर पुलिस के हत्थे चल गया, उसके पास से दो अत्याधुनिक पिस्टल मैगजीन के साथ बरामद हुआ। पकड़ा गया आरोपी पहले भी असलहा सप्लाई कर चुका है। आरोपी मुंगेर से असलहे की खेप ले जाकर इलाहाबाद के आस पास बेच दिया करता है। पकड़े गए तस्कर ने यह भी बताया कि जहां से वह असलहा लेता है वहां असलहा भी सप्लाई की जाती है। दरअसल एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आए दिन पुलिस को कभी चरस, कभी शराब, कभी असलहा लगातार मिल रहा है। इसी क्रम में चकिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदाबाद पुल के पास चेकिंग के दौरान बिहार की तरफ से आ रहे एक युवक के पास से दो पिस्टल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर इलाके से मुन्ना नाम के असलहा सप्लायर से 20,000 रुपए में खरीद कर लेकर आ रहा था और उसे इलाहाबाद ले जाकर 30 से 35,000 रुपए में बेच देता है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह मुंगेर से पटना बस से आया है। पटना से भभुआ पहुंचा और चकिया के रास्ते अहरौरा होते हुए इलाहाबाद चला जाता। उसने यह रास्ता इसलिए चुना था कि पुलिस की नजर से बच पाए। पकड़े गए आरोपी पहले भी असलहा सप्लाई कर चुका है। आरोपी ने यह भी बताया कि मुंगेर में असलहा तस्करों द्वारा AK-47 भी सप्लाई की जाती है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस जेल भेज रही है और उसके द्वारा मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर कार्रवाई। चकिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक असलहा तस्कर जो अंतर्राज्यीय स्तर का है गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 32 की दो पिस्टलें बरामद की गई हैं मैगजीन के साथ। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद के सराय इनायत का रहने वाला है। बिहार के मुंगेर जनपद से असलहे लेकर के अपने क्षेत्र में सप्लाई करता है और ये रास्ता भभुआ होते हुए चकिया होकर के मिर्जापुर होकर चुनते हैं ताकि रास्ते में चेकिंग आज न हो सके और सुनसान रास्तों से निकल करके असलहे की आपूर्ति अपने क्षेत्र में करता है। अब वो जानकारी का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ में इसने बताया है कि पूर्व में भी ये इस तरह के काम कर चुका है। 41 की बात आ रही है। नहीं, फिलहाल ये पूछताछ में बताया कि मुंगेर में जहाँ से असलहे लाता है वहाँ पर जो है 147 भी बनाई जाती है, लेकिन इसने कभी उसकी आपूर्ति नहीं की। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।